तो की हाल चाल मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट के साथ। इस सीरीज़ ने ना सीरियसली मेरी नाक में दम कर रखा है यार। बहुत परेशान हो रहा हूँ इस सीरीज़ में, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। एक इसने सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्रीपर ने। जहाँ जाओ पीछे पीछे चला आता है यार। तो आज हम नैदर में चलेंगे। नैदर में जाने से पहले कुछ तैयारियाँ कर लें, कुछ अपने वीपन्स को और अपने आर्मर को अपग्रेड कर लें, कुछ बुक जो मेरे पास स्पॉनर से मिली है उनका भी आज इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैं अपनी ये जो भी महंगी महंगी तलवारें हैं और ये सब चीज़ें मैं लेके नहीं जाऊंगा नैदर में। तो मैं कुछ नॉर्मल वीपन्स बनाता हूँ, उसके लिए मुझे डायमंड वेस्ट करने ही पड़ेंगे। मैं चाहूँ तो आयरन की भी बना सकता हूँ, बट नहीं, लेके जाएंगे तो डायमंड की लेके जाएंगे। काफ़ी डायमंड है अपने पास, और आयरन के अपने आर्मर बना लेंगे। तो सारा सामान अपना बन चुका है, चलते हैं ऊपर और इनको अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड के लिए या तो हमारा इंचेंटमेंट टेबल काम आएगा, बट वही अभी मेरा बुक शेल्फ पूरी नहीं बनी है, तो इसको एनविल से मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। इसी के लिए बुक्स जो होती हैं वो काम आती हैं। चलते हैं नैदर में। नैदर में ऑफलाइन गया था क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। ऑफलाइन जाके मैंने काफ़ी ढूंढा तो मुझे फोर्ट मिल गया, बट मैं अंदर नहीं गया था। अब अंदर अब चलेंगे आप लोगों के साथ, कहीं आप लोग ये सोचे कि मैं कोई चीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ जाऊंगा। बट मैंने नैदर में जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता तैयार कर लिया था। जितना रास्ता बनाया उतना उतना भी कम पड़ गया था। नैदर है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये कुछ जिगजग करके मैंने रास्ता बनाया है अपने लिए। नैदर काफ़ी घटिया जगह है सीरियसली। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर डर है गास्ट से। एक गास्ट मिलेगा यहाँ पे, उससे सबसे ज़्यादा डर है। वो फायरबॉल फेंकता है आपके ऊपर। ये देखो आ गया, लग रहा मेरे पीछे ही है। मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता। तो भाग 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 भैया, भाग भाग गया। तो ये गास्ट बहुत परेशान करते हैं नैदर में। चलिए चलते हैं आगे। और मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है कि मैं अपना धनुष लाना भूल गया। ये देखो लावा, ये एक बार गिरे और आपका काम ख़त्म। इसलिए मैं अपने सारे जो भी काम के कीमती हथियार थे उनको वहाँ रख के आया हूँ, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर ये जॉम्बी पिगमैन भी हैं, इनको जॉम्बी पिगमैन कहते हैं, बट ये आपको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप इनको हिट नहीं करोगे, जब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखो कैसा कैसा रास्ता है, एक बार गए तो आपका गेम ओवर। नैदर डिस्कवर करने में मज़ा बहुत आता है। यहाँ पे सबसे काम की चीज़ आपको ब्लेज रॉड मिलती है, जिससे आप पोशन बना सकते हैं। यही रास्ता था ना? हाँ यही था, यही था। आराम से आराम से आराम से, ये रहा। तो ये हमारे फोर्ट की एंट्री है। चलिए चलते हैं फोर्ट में भी। यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे स्केल्टन का अंदर। ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखते ही आपके ऊपर अटैक कर देता है। बस ये देखो सामने फिर एक और गास्ट है, ढूंढो। यहाँ पर आपको खजाना भी बहुत मिलता है, तो उसके लिए आपको पूरा नेदर फोर्ट सर्च करना पड़ेगा। और जगह जगह पर यहाँ पर खतरा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको ख़तरा ना मिले। सामने भी कुछ है, ज़रा यहाँ पे भी देख लेता हूँ।
ये देखो नेदर, ये फिर आ गए स्केल्टन। तो इनको मारने पर ये आपको ना अपना स्कल देते हैं, अपना मतलब हेड दे देते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा काम आता है लास्ट में इसके ड्रैगन को मारने के लिए, नेदर को। तो हमें तीन वो भी चाहिए होंगे, उसके लिए आते रहेंगे नेदर में, या देखते हैं कोशिश करेंगे कि इसी बार मिल जाए। मर मर, अभी तक तो कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं मिली है यार। ये देखो ये है ब्लेज, जो देते हैं आपको ब्लेज रोल। और अच्छी बात है मुझे स्पॉनर मिल गया है, तो इससे मैं एक्सपी फार्म भी बना सकता हूँ। आओ आओ आओ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। कुछ भी नहीं दिया यार इन्होंने। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। हर जगह पे खतरा है भाई, हर जगह पे खतरा है। इस तरफ चलते हैं पहले। आजा आजा यार, मर ना जाऊं यार कहीं। भाग 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 भैया भाग, हेल्थ भी कम हो रही है। कहाँ जाओ यार, जहाँ जाओ वहीं कोई ना कोई मिल जाएगा। ये देखो ये भी आ गया, फिर देखो रमूना आ गया यहाँ पर। चलते, अरे यार यहाँ पर भी बॉस है। वापी चल वापी चल वापी चल, ये दिक्कत है यार यहाँ पर, जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई परेशान करेगा ही। मुझे एक ब्लेज रोड मिल गई है, मुझे और चाहिए यार अभी। इस तरफ तो लावा है, इस तरफ स्पॉनर है, तो बस स्पॉनर पे ही चलता हूँ। आओ तुम भी आओ, आ आ, तू भी है, तू भी है, तू भी मर, तू भी मर। बुराई मान गए क्या भैया? दो ब्लेज रोड अपने पास हो गई है, बाकी मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऑफलाइन ट्राई करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये सामान मैंने इकट्ठा किया है यहाँ से, बहुत सामान मिला बट डायमंड नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, डायमंड अपने पास वैसे ही बहुत है। चलते हैं वापस, ये थोड़ा सा ये वाले वुड भी ले लेता हूँ, डेकोरेशन के काम आएगा। चलो चलते हैं भाई वापस। ये फिर आ गया यार, इसका क्या करूँ मैं यार, ये बहुत परेशान कर रहा। आ, नहीं लगी तो मैं यार, फिर परेशान कर दिया यार। चल 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 चल, नीचे से निकल जा, कुछ नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे यार। दिक्कत यह है ना कि तेज भागोगे नीचे गिर जाओगे। यार साइड से निकल जाता हूँ। अरे भाई, अरे क्या मजा आ रहा है भाई, क्या चाह रहा है? तो 500 रुपये ले ले भाई, मुझे छोड़ दो। अरे मेरी पावर देखो यार, बच गया बच गया बच गया। ये देखो यार इन्होंने मेरे ब्रिज का भी नाश मार दिया। नेक्स्ट टाइम आया ना इनको छोड़ूंगा नहीं यार किसी को भी। चल 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 भैया, निकल शांति से निकल। चल 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 चल, एक वो रहा। अरे भाई देखी हो मत यार, मुझे जाने दे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जाने दे जाने दे। इस साइड से निकल जाता हूँ, चक्कर है, डर भी लग रहा है यार कहीं गिर ना जाऊं बस। चलो आखिरकार पहुंच गए भाई, सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, चलते हैं भाई, पहुंच गए। जय माता दी। घर आके भैया मिठाइयाँ बटवा दो, कुछ खा ही ले पहले दो। तो भैया हम पहुँच गए अपने घर, अपने घर को देख के कितना सुकून सा मिला है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना से लड़ाई लड़के वापस आए हो। हालात ही ऐसे बना देते हैं यार ये लोग। सामान वामान जो भी है सब रख देता हूँ भाई, और मिला तो काफ़ी सामान है यार वैसे तो। वैसे जो भी मिला है कुछ काम का नहीं है ज़्यादातर। तलवारें तलवारें ये वाली तलवारें तो किसी काम की नहीं है, ये मैग्मा क्रीम फिर भी काम की है। तो अब क्या किया जाए, सामान वामान रख के। मुझे ना एक्चुअल में क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें ना सामान नहीं मिल पा रहा है। चलिए पहले सोते हैं यार, सो के उठेंगे तभी दिमाग कुछ काम करेगा। तो आज का अपना दूसरा काम है यार, ये देखो क्रीपर का काम। तो ये बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है भाई। तो आज अपना दूसरा काम करते हैं कि ये डाई बना लेते हैं फूलों से। मुझे क्योंकि ना ऑरेंज कलर की वूल की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ये शिप के पास जाना है और इनको डाई कर देना कलर से। वैसे भी वाइट अजीब सी लग रही है। ये देखो फिर आ गया यार, यार ये क्या चाहते हैं मेरे से। अरे भैया 100-500 रुपये ज़्यादा ले लो भाई, मुझे जीने दो यार, जीने दो भाई। इसके पास जाऊँगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। आ तू भी आ ना आ। तो अपना सारा काम हो गया, अब इनको ट्रिम कर देते हैं भाई, इनकी सारी वूल वूल निकाल लेते हैं। मुझे ना ऑरेंज कलर की वूल की बहुत ज़रूरत है यार, थोड़ी वाइट भी चाहिए। तो वूल मैंने ले ली है और एक काम और कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वाइट कलर के ब्लॉक की भी ज़रूरत है। तो वाइट कलर के ब्लॉक के लिए बार बार आइस लेने ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। इससे बेटर है मैं अपनी आइस अपने घर के पास ही बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एक पम्पकिन को काफ करना है और आइस लेनी है 2 ब्लॉक ऐसे, और इससे हमें आइस आइस का अपना गोलम बना लेना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक आइस को उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर इसको रख देना है ऐसे। तो भाई बुरा ही माना हुआ क्या मेरे से। तो अब हमारे पास अपनी आइस का भी जुगाड़ हो गया भैया। शॉवल लेना है और इनकी इनसे आइस निकाल लेनी है। जहाँ जहाँ ये चलेगा वहाँ वहाँ आइस बनाता रहेगा, लेकिन ये चल ही नहीं रहा भाई, बुरा माना हुआ। उसके नीचे से तो चाहो जितनी मर्जी आइस निकाल सकते हो। तो हमारे पास अब आइस की कमी नहीं है, हमारा अपना आइस का गोलम बना हुआ है जो हमारे लिए आइस का सारा काम कर रहा है। तो कुछ चीज़ें सही होती जा रही हैं वैसे तो। अरे यार क्यों नज़र लगा दी अपने, पहले ये भी मर गया। तो आइस इकट्ठी हो गई है, सब कुछ हमारा काम हो गया है। मुझे मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया था कि अपना ना इंचैंटमेंट रूम कहीं और बना ले। तो मैं क्या करूँगा कि अपना ये रूम, ये वाले जो घर को ना मैं अपना स्टोर रूम ही बना के रखूँगा। बाकी सारी सबके लिए मैं अब कुछ और बनाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास ब्लेज रोड भी आ गई है। तो मुझे अपना पोशन रूम भी बनाना है, तो उसके लिए मैं कुछ और जगह पे देखता हूँ कहाँ बनाता हूँ। बाकी चलते हैं एक बार नीचे, नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं कुछ स्पॉन हुआ या नहीं हुआ। स्पॉनर पे भी काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार। मतलब इस एपिसोड में कुछ सही नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा सीधा होता जा रहा है यार। तो चलिए मुझे लगता है कि अब हमारा सारा काम हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहें। और एक लास्ट चीज़, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।